हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित लूथरा और आज मैं आपके साथ एक टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं और वो है केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड जो है वो कई तरह का होता है, जैसे कि आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। तो उसमें मैं आपको आज आयनिक बॉन्ड डिस्कस करके आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं इसको। केमिकल बॉन्ड जो है वो आमतौर पे मेजरली, वैसे तो कई तरह के होते हैं लेकिन मेजरली ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आयोनिक बॉन्ड्स और दूसरे जो होते हैं वो है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के केस में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड के केस में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो सारे के सारे वेलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, एक या दो हो सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एनदर। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि कंप्लीट ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम वन एटम टू एनदर। और कोवलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो कोवलेंट के केस में क्या होता है, देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होगी इनके अंदर। ठीक है, तो फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड को। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड को अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए कि मेरे पास इसमें दो तरह के एटम्स होंगे। ठीक है, एक ए और दूसरा बी। अब मान लीजिए कि ए के पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं जो उसके ऑक्टेट को खराब कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, लूज कर देगा और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आएगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर वन पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर टू पॉजिटिव चार्ज आएगा। और बी जो है उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और इस तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है फ्रॉम वन एटम टू अनदर और ये बन जाएगा एनायन। ठीक है, उसके बाद कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन होती है और आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो इस चीज को थोड़ा और डीपली डिस्कस करते हैं, इस चीज को थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा सोडियम मेटल की। ठीक है, तो मेरे पास सोडियम है। ठीक है, सोडियम, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2-8-1। आपको पता है कि इस 1 की वजह से क्या हो रहा है कि सोडियम के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है और उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो सोडियम को 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए लेकिन सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता। सोडियम क्या, कोई भी नहीं कर सकता 7 इलेक्ट्रॉन को गेन। और सोडियम तो वैसे भी मेटल है, मेटल का काम तो इलेक्ट्रॉन देना होता है, इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ी होता है। तो सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो सोडियम अब क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर देगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और बन गया Na पॉजिटिव। अब ये जो Na पॉजिटिव है इसे हम सोडियम आयन कहते हैं और अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2-8 क्योंकि उसने लास्ट वाला जो एक इलेक्ट्रॉन था वो कर दिया लूज। ठीक है, उसने अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और अब ये बन गया स्टेबल। अब ये क्या बन गया बेटा, स्टेबल बन गया। ठीक है, क्योंकि इसके पास हो गई नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्योंकि इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट और मेन चीज क्या होती है, ऑक्टेट कंप्लीट करना। ठीक है, तो सोडियम ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, दिस इज द मेन जो चीज है। उसके बाद जो क्लोरीन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन थी 2-8-7। ठीक है,
इसकी होती है 287। तो क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए गेन करने के लिए, ऊपर से ये नॉन मेटल है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्लोरीन जैसे एटम के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन कर लेगा। तो क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और बना डाला सीएल नेगेटिव और इसके पास हो गया 288। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लास्ट में आठ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो दिस इज ऑल्सो स्टेबल। अब ये भी क्या हो गया, स्टेबल। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, ये भी एक चार्ज के रूप में आ चुका है, Na पॉजिटिव। पहले वो सिंपल Na था, अब वो Na पॉजिटिव हो चुका है और ये भी चार्ज के रूप में आ चुका है। तो दोनों के ऊपर चार्ज है और ऑपोजिट चार्जेस हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। तो नेचर का एक लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे, और जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या बन के तैयार होगा बेटा, NaCl। अब NaCl जो था उसके ऊपर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो आपस में मिलने के बाद न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है Na और Cl आपस में क्या है, कॉम्बाइन हो जाते हैं और सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में जुड़ते हैं, आपस में अट्रैक्ट होकर कॉम्बाइन होते हैं, तब एक एनर्जी का अमाउंट रिलीज होता है जिसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी, लैटिस एनर्जी। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी बाहर निकलेगी उतना स्ट्रॉन्ग इनके बीच का बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि वो आयन्स के बीच में होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज्यादा इसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस तरह से बनता है हमारा आयोनिक बॉन्ड। आई होप आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। ये थी एक बेसिक सी जानकारी, इसको और डेप्थ में पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।